आप सभी का स्वागत है झारखंड के इस न्यूज चैनल में। इस चैनल में आपको झारखंड से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़े हो। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपना कमेंट कीजिए, हम उस डिस्ट्रिक्ट का आपको खबर प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे झारखंड से जुड़े क्या कुछ नया अपडेट्स है। तो झारखंड में नया गाइडलाइंस जारी हो चुका है, जितना भी स्कूल कॉलेज जो भी कोचिंग संचालक है उसके लिए खबर आ चुका है। जितना भी स्कूल है कॉलेज है खोला जा रहा है 9 क्लास से लेकर 12th तक के लिए। यस, क्लास 9, 10, 11th और 12th के लिए कॉलेज स्कूल खोला जा रहा है। क्या उसके लिए नया गाइडलाइन से, चलिए उसको जानते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कल यानी कि 30 जुलाई को आपका एक गाइडलाइंस जारी किया गया है। उस गाइडलाइंस के तहत किन किन चीज़ों में छूट दिया गया है और किन किन चीज़ों का पालन करना है अभी भी, उसके बारे में उसे बताया गया, तो चलिए जानते हैं। देखिए उसमें दिया गया है 9th, 10th, 11th और 12th के लिए स्कूल कॉलेज खोल दिया गया, लेकिन उसमें 50% बच्चे आएंगे और उसमें आपका जो क्लास होगा सिर्फ 4 घंटे के लिए अभी नियम बनाया गया है, निर्णय लिया गया जो 4 घंटे के लिए ही सिर्फ क्लास होगा। उस क्लास के अंदर जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो अभी आपका चलता रहेगा। आपको बताते हैं जितना भी कोचिंग संचालक है उसके लिए भी खबर आ चुका है। जितना भी कोचिंग संचालक है उसके लिए 18 साल से जितना भी एवोब के स्टूडेंट्स है उसको पढ़ाने का भी अलाव अनुमति वहाँ से दिया गया है। उन सभी बच्चों का एक टीका जरूरी है। टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं सबका टीका होना जरूरी है और 50% ही कोचिंग संचालक पढ़ा पाएंगे अभी बच्चे को। PSEB रूल्स बनाया गया है। जितना भी पहले जो रूल्स था अभी भी वो लागू है कुछ कुछ, यानी कहीं पे भी 100 लोग इकट्ठा नहीं हो सकता है। और बाद बाकी जितना बस संचालक है उसके लिए भी रूल्स बनाया गया है, उन सभी के लिए रूल्स के तहत ही ये गाइडलाइंस बनाया गया है। तो आपको खबर कैसा लगा कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपना कॉमेंट भी जरूर लिखें।